कलात्मकता के नाम पर अराजकता। हिंदू पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्में आजकल दर्शकों को अधिक पसंद आ रही हैं। हाल के दिनों में ऐसी कई फिल्में बनी और हिट हुई हैं। इसी प्रकार की एक फिल्म बन रही है आदिपुरुष, जिसका हाल ही में एक टीजर जारी हुआ है। रामायण महाकाव्य पर आधारित होने का दावा किए जाने वाले इस फिल्म के प्रमुख पात्रों के कुछ अंश को दिखाया गया है, जिसके बाद से फिल्म में दर्शाए गए पौराणिक पात्रों के संदर्भ में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। फिल्म आदिपुरुष में श्री राम की भूमिका में की धरती पर पड़ाव डालते हैं तो रावण अपने जासूसों को उनकी शिविर में भेजता है। श्री राम के साथी रावण के जासूसों को पकड़कर पीटते हैं। जब श्री राम को पता चलता है तो वह उन्हें वापस लंका भेज देते हैं। ये जासूस भी रावण के पास पहुंचकर प्रभु श्री राम की दयालुता का वर्णन करते हैं। ऐसे में राम के चरित्र के साथ आक्रामकता जोड़कर अकारण उन्हें सुपरमैन बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह कोई अफगानिस्तान से आने वाले आक्रांता नहीं कि चीखते चिल्लाते युद्ध के लिए बड़े जा रहे हैं। कहानी और संवाद लिखते समय राम के इस उदात्त चरित्र का ध्यान सखा जान चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक और निदेशक ने दृश्यों को है कि अब क्या करना चाहिए इतने दिखाने की नकल के कारण अति नाटकीय बनाने के चक्कर में श्रीराम की चारित्रिक विशेषताओं और गुणों का ध्यान नहीं सखा। ऐसा या तो अज्ञानता के कारण हुआ या विदेशी फिल्मों में तकनीक से पात्रों को आक्रामक और बलशाली लेते थे। रामानंद सागर ने जब रामायण टीवी धारावाहिक का निर्माण किया था तो पंडित नरेंद्र शर्मा की सलाह पर उन्होंने अपने पात्रों की वेशभूषा तय करने के पहले इन चित्रों का गहन अध्ययन किया था। इस कारण रामायण धारावाहिक में टीवी पर जब ये पात्र आए तो लोक में व्याप्त छवि से मेल खाते हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म आदिपुरुष के निर्देशक ने इस बात का ध्यान नहीं रख तकनीक के बल पर श्रीराम को सुपरमैन बना दिया। सौम्यता को आक्रामकता से विस्थापित करने का प्रयास हुआ। अयोध्या में इस फिल्म का जो टीजर जारी किया गया है उसमें राम सिर पर लंका की ओर बढ़ते श्रीराम को दिखाया गया है। नेपथ्य से आवाज आती है, आ रहा हूँ मैं, न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। रामकथा में तो इस तरह की आक्रामकता है ही नहीं। श्रीराम तो लंका की धरती पर पहुंचकर अपने सहयोगियों से पूछते, लोकतांत्रिक है श्रीराम, तुलसीवस लिखते हैं। जब यह तय हो जाता है कि अंगद को दूत के रूप में रावण के दरबार में जाना है तो श्रीराम कहते हैं कि इस तरह से संवाद करना कि मेरा भी कल्याण हो और रावण का भी। वाल्मीकि ने लिखा है, जब श्रीराम लंका दूसरा पात्र है रावण, जिसकी भूमिका में है अभिनेता सैफ अली खान, कुछ खिलजी ज्यादा लग रहा है। रावण के लोग कह रहे हैं कि यह रावण कम बारे में वाल्मीकि और तुलसीदास ने विस्तार से लिखा है। लंकेश इतना बड़ा और पराक्रमी था कि उसने तीनों लोगों विवादों में है। इस फिल्म में रावण का गेटअप को जीता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था लेकिन अहंकारी भी था। फिल्म आदिपुरुष में जो रावण बनाया गया है वह अहंकारी बिल्कुल नहीं दिखता है। हाँ, उसके चेहरे पर उसकी संवाद अदायगी या हाव भाव में कमीनापन अवश्य दिखता है। रावण अहंकारी अवश्य था पर उसके कमीनेपन का चित्रण न तो वाल्मीकि ने किया है और न ही तुलसीदास ने। आदिपुरुष के निर्देशक ने किस तरह से रावण के चरित्र को गढ़ा है, उनका सोच क्या था, ये तो वही बता सकते हैं। लोक में व्याप्त लंकेश की छवि को इस तरह से भ्रष्ट करना और फिर उसका हास्यास्पद तरीके से बचाव करके फिल्म से जुड़े लोग अपनी अक्षमता को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। रामकथा के पात्रों को लेकर वाल्मीकि का जो सच था या जो तुलसी की अवधारणा थी उसका शर्तांश भी इस फिल्म में नहीं दिखाई दे रहा। तो फिल्म में हनुमान की वेशभूषा को भी आधुनिक बनाने के चक्कर में निर्माता निर्देशक ने क्या गड़बड़ियां की हैं, ये फिल्म प्रदर्शित होने के बाद पता चलेगी। फिलहाल जो कुछ दृश्य है उसे लेकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां भी गड़बड़ी हुई है। कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर पौराणिक आख्यानों के चरित्रों को इस तरह से प्रदर्शित कर अपमानित करने की छट नहीं दी जा सकती है। लोक में व्याप्त छवि से छेड़छाड़ करके फिल्में सफल नहीं हो सकती हैं। कुछ दिन पूर्व प्रदर्शित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में भी लोक में प्रचलित छवि से अलग दिखाया गया, परिणाम सबके सामने है। यदि उस फिल्म में चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने लोक में व्याप्त कथाओं के आधार पर पृथ्वीराज का चरित्र गढ़ा होता तो सफल हो सकते थे। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने तो पृथ्वीराज रासो पर स्वयं को केंद्रित रखा।